चार पाँच बजे के करीब गांव से मील भर दूर थे तो सुमति उन्हें इंतजार करता हुआ मिला। मंगोल लोगों का मुंह वैसे ही लाल होता है और क्रोध में सुमति का मुंह और भी लाल हो गया था। तो उन्होंने कहा, मैंने दो दो टोकरी कंडे फूंक डाले और तब आप चाय भी गर्म किया, लेकिन आपको आने में इतना देर हो गया। तो उन्होंने कहा, क्या मित्र तुम नहीं देख रहे हो मुझे कैसा घोड़ा मिला? ये घोड़ा बहुत ही सुस्त है, इसी के कारण मैं इतना पीछे हो गया। और जितनी जल्दी सुमति को गुस्सा आता है उतना जल्दी उसका ठंडा भी हो जाता है। लंगोर में वो अच्छी जगह पर ठहरे, यहाँ भी अच्छे जजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, फिर रात में गर्मा गर्म पा मिला। ठीक, अब तिगड़ी के विशाल मैदान में ये लोग आ गए। पहाड़ियों से घिरा टापू सा मालूम होता है, जिसमें छोटी सी पहाड़ी मैदानी जमीन भी दिखाई दी। उसी पहाड़ी का नाम है तिगड़ी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के बहुत सारे जजमान थे और वह कपड़े की पतली पतली चीनी बत्तियों के गंडे लेकर आता था, जो बौद्ध गया से लेकर के आता था और वह अपने जजमानों को वहाँ बांटा करता था। अब गंडे ख़त्म नहीं होते थे क्योंकि जगदी वो ख़त्म हो भी जाते तो जो उसके पास कपड़ा उपलब्ध होता उसी से फिर वो पतले पतले कपड़े चीर करके गंडे बना लेता था और अपने जजमानों को वह दे दिया करता था। तो लेखक ने ये कहा उनसे वहाँ पर कि वो दूर दराज गाँव में अपने जो यजमान हैं उनके पास वो ना जाएं, रास्ते में जो पड़ रहे हैं उन्हीं के को वो अपने गंडे दे दें, और दूर दराज गाँव में जाने पर जो उनका नुकसान होगा, जो गंडे बांधने के बदले में उनको पैसे मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, तो बाद में लेखक उन्हें दे देंगे। क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर सुमति गाँव की तरफ चले गए तो उन्हें काफ़ी समय लग जाएगा और वो उनको लौटने में काफ़ी देर हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद फिर 10-11 बजे की तेज़ धूप में चले। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती थी, यदि मोटे कपड़े से ढक लें तो थोड़ा कम लगता, अगर आप के सामने से सूरज है तो माथा आपका तेज गर्म होगा लेकिन पीछे से कंधे आपके एकदम बर्फ की तरह ठंडे होते चले जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक आदमी से मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर उन्होंने सुमति को चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई थी, इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में था। जमीन अपनी अपनी जागीर के हर एक जागीरदार खुद खेती भी खुद कराता था और इसके जितने हिस्से थे ये मठों यानी विहार जो बौद्ध मठ थे बौद्ध विहार थे उनके ही अधीन थे। उन्हें वहाँ मजदूर भी बेगार में मिल जाते थे, बेगार मतलब जिसको पारिश्रमिक ना देना पड़े ऐसे मजदूर भी मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ किसी न किसी भिक्षु को देखा भेजा जाता था जो वहाँ की खेती बाड़ी का जो कराता था और जो वहाँ की देखरेख करता था। ठीक है, और जागीर का जो ये भिक्षुक जागीरदार होता था ये वहाँ के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं हुआ करता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षुक नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, वो बड़े प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त हमारा वेश इतना अच्छा नहीं था लेकिन उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी प्रेम से उनसे मुलाकात की और बहुत ही अच्छा उनका स्वागत भी किया। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद, कंजूर कहते हैं बुद्ध के वचनों का जो अनुवाद था, कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी, हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ वहाँ पर रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा और लेखक भी वहीं पर जम गए क्योंकि उन्हें वहाँ पर पुस्तकें मिल गई थी। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, एक एक पोथी 15-15 शेर से कम की नहीं थी और ऐसी 15-15 शेर की एक एक पोथी 103 पोथियाँ वहाँ थी। सुमति ने फिर अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, मैं अब पुस्तक के भीतर था इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। और सुमति ने फिर ये उनसे पूछा कि क्या वो अपने यजमानों के पास जा सकते हैं, तो लेखक देखते हैं कहते हैं कि वो उन्हें वो जाने की अनुमति दे देते हैं क्योंकि वो पुस्तकों के भीतर थे। पुस्तकों के भीतर होने का मतलब पुस्तक में रमे हुए थे यानी पुस्तक के पास बैठे हुए थे। ठीक है, इसीलिए वो वहाँ चले गए और वह उन्होंने जाने के लिए कह दिया कि उसको भी 2-3 दिन वहाँ लग जाएगा। लेकिन वह उसी दिन दोपहर में चले आए। तिगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था, हमने अपना अपना सामान उठाया, बुद्ध भिक्षु को नमसे से विदाई लेकर चले गए और तिगरी शहर वहाँ से ज़्यादा दूर था नहीं, इसीलिए उन्होंने अपना अपना सामान उठाया और वहाँ से अगले अपने पड़ाव की तरफ चल दिए। ये जो यात्रा वृत्तांत है जो राहुल संस्कृत्यान के द्वारा लिखा गया, तिब्बत की उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, उस समय की वहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताएं क्या थी इसके बारे में पता चलता है, किस तरह के लोग थे, कैसी कानून व्यवस्था थी, इसके बारे में हमें वहाँ पर पता चलता है। ठीक है, अगला इसके प्रश्न अभ्यास हैं। तो प्रश्न अभ्यास में थुंगला के पहले और आखिरी गाँव में पहुँचने पर भिकमंगे के वेश में
होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो पहली बार तो वो भिक्षुक के रूप में गए, लेकिन उसके बाद ही उनको एक परित्यक्त किला मिल गया जहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था हो गई, उनका लोगों ने वहाँ पे स्वागत सत्कार किया, ठीक है, तो उनको वहाँ पे सम्मान मिला। लेकिन दूसरी बार जब वो यात्रा कर रहे थे, वो लौट रहे थे और एक भद्र पुरुष के वेश में भी हुए थे, तो उस समय में उनको सत्कार इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस समय शाम का समय हो गया था और उस समय में वहाँ के लोग छंग एक तरह की शराब पी करके अपने होश हवास में नहीं रहते, इसीलिए उन्होंने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया और वो गरीब की झोपड़ी में रहने के लिए विवश हुए। दूसरा प्रश्न है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उस समय में तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, हर कोई अपने पास बंदूक पिस्तौल इत्यादि रख सकता था, तो यात्रियों को ये भय बना रहता था कि कभी भी डाकू उन पर आक्रमण कर सकते हैं और उन्हें मार करके उनका सामान लूट सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं था कि यदि कोई बाहर में मर भी जाए तो उसके लिए कोई कानून व्यवस्था हो। ठीक, तीसरा प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो लेखक इसलिए पिछड़ गया क्योंकि उसका घोड़ा काफ़ी सुस्त था, वो धीरे धीरे चल रहा था और वो पीछे हो गया, बाकी लोग आगे निकल गए, बाद में वो रास्ता भी भटक गया, उन्हें दाहिनी तरफ जाना था लेकिन वो बाईं तरफ चले गए और फिर उनको वापस लौट करके आने में समय लगा, इसी के कारण वो अपने साथियों से पिछड़ गया। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो पहली बार तो इसलिए रोका कि यदि ये यजमानों के पास चला गया और इसे वहाँ पे कुछ समय लग गया तो हमें वापस जाने में देर हो जाएगी और हम समय पर अपने स्थान पर नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन दूसरी बार उन्होंने नहीं रोका, उसका कारण ये था कि उन्हें बौद्ध मंदिर में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के लिए मिल गईं, तो उन्होंने सोचा कि जब तक ये अपने यजमानों से मिलकर आएगा उस समय तक मैं भी कुछ पुस्तकों से ज्ञान अर्जित कर लूँ, कुछ पुस्तकें मैं देख लूँ, इस कारण उन्होंने नहीं रोका। अपनी यात्रा के दौरान लेखकों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो आपने पाठ में पढ़ा ही है कि जैसे उन्हें भिखमंगे के रूप में जाना पड़ा क्योंकि वैसे इजाज़त नहीं थी तिब्बत की यात्रा करने का भारतीयों को, तो नेपाल के रास्ते जाना था, छद्मवेश बना करके गए। दूसरा, उन्हें मार्ग में डाकुओं का डर था कि कहीं डाकू उनकी हत्या ना कर दें, तो उसके लिए उन्होंने भिखमंगे का वेश बनाया था। रास्ते में उनका घोड़ा भी पीछे चलने लगा जिसके कारण वे रास्ता भी भटक गए और फिर उनको आगे बढ़ने में कठिनाई हुई, पहाड़ी रास्तों में चढ़ने और उतरने में भी उन्हें काफ़ी परेशानियां हुई। ठीक है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के समय में उस समय का तिब्बत समाज कैसा था ये बताना है, तो तिब्बत के समाज के विषय में आप लिखेंगे, उस समय वहाँ जाति पाति या छुआछूत की प्रथा वहाँ नहीं थी, स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं थी, आप जिसके यहाँ भी जाएं चाहें अपने लिए चाय बनाना या कोई सामान बनाना या खाने पीने का सामान, तो आप आसानी से जा करके उन्हें दे सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं, वहाँ पर अतिथियों का सत्कार किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का आपको तिब्बत के समाज की व्यवस्था के बारे में लिखना है। अब मैं पुस्तक के भीतर था, ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य इस अर्थ को बताता है? पुस्तक के भीतर था, इसमें से किसी एक पर आपको सही का निशान लगाना है। तो लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया, ख लेखक पुस्तकों की शर्त के भीतर चला गया, ग लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं और घ पुस्तक में लेखक का परिचय चित्र छपा हुआ था। इसका उत्तर पहला होगा, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ठीक है, ये आपके प्रश्न उत्तर थे, ये पूरे हुए और ये पाठ भी आपका पूरा हुआ यात्रा वृत्तांत लिहासा की ओर। ठीक है, इसमें जो जो यात्रा की कठिनाइयाँ आई या जिस तरह का वहाँ का समाज था इससे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, वह प्रश्न आपको देखना है, मैंने प्रश्न के उत्तर आपको बता दिए और इन्हीं के आधार पर आप अपने लिए नोट्स तैयार करेंगे, प्रश्नों के उत्तर भी तैयार करेंगे। ठीक है, आगे फिर हम अगला पाठ पढ़ेंगे जो इसमें है, अगला पाठ आपका सांवले सपनों की याद।